गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री के हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है, हम उसको आज लेंगे। उसका नाम होगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस सॉलिड स्टेट से भी आते हैं। ठीक है, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो आप जानते हैं सॉलिड स्टेट के साथ दो और स्टेट्स होती है, उनको भी हमें स्टडी करना होता है, जिसका नाम होता है, सब आप पढ़ चुके हैं पहले, सॉलिड स्टेट। उसके बाद सेकंड लिक्विड स्टेट और थर्ड गैसियस स्टेट। आज हमें इन दोनों के बारे में तो डिस्कस नहीं करना है, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज हमें इसके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हमें उसके आसपास के टॉपिक्स को भी एक बार समझ लेना चाहिए। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कॉम्पैक्टली समझते हैं आप, वो सब के सब पार्टिकल्स कैसे होंगे, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे। ये सॉलिड स्टेट की खासियत है। लेकिन अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट के अंदर हम इसके फिगर को भी समझ सकते हैं। अगर हम इसके फिगर को समझें तो ये फिगर कुछ इस तरह का होना चाहिए, इसके बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लिक्विड स्टेट। इसके जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रहता है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा, काफी दूर दूर होंगे एक दूसरे से, आप देख सकते हैं। तो जिस वजह से इन तीनों स्ट्रक्चर्स में, तीनों स्टेट्स के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आज के टॉपिक्स का नहीं है, मेरा मेन टॉपिक सॉलिड स्टेट ही है, लेकिन लिक्विड और इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी देनी है। अगर हम स्पेस की बात करें, इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद लिक्विड स्टेट के अंदर यह स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्पेस किस में होगा, गैस स्टेट के अंदर मैक्सिमम स्पेस। लेकिन जैसा मैंने बताया, आज हमारा जो टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट है, तो ये बेसिक जानकारी हो सकती है। एक और मैं प्रॉपर्टी यहां आपको बता देता हूं तीनों स्टेट्स के बारे में। सॉलिड बिल्कुल रिजिड होते हैं, ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं बेटा, इनकी मूवमेंट जीरो होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट फ्लो कर सकते हैं, लेकिन इनका जो फ्लो रेट है वो गैसेस स्टेट के मुकाबले कम होगा हमेशा। तो इसलिए लिक्विड स्टेट का फ्लो अच्छा होगा, गैसेस स्टेट का फ्लो और तेज होगा। तो इनका रेट ऑफ फ्लो मैक्सिमम होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं और मेरे साथ साथ आप भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं सॉलिड के बारे में। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें आज सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो मैं इनके बारे में आज ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा और सीधे मैं सॉलिड स्टेट के ऊपर आऊंगा। आप इन सबको टॉपिक को डिस्कस कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम सॉलिड स्टेट के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको उसी पर ले जा रहा हूं सीधे, सॉलिड स्टेट क्या होता है ये आप सभी को समझना भी है, और जो समझ में ना आए आप उसको बाद में पूछ भी सकते हैं। देखते हैं ये कैसे काम करेगा। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर दो बेसिक चीज निकल कर आती हैं, जिसमें पहला होता है क्रिस्टल, ठीक है, और दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है अमॉर्फस। इसको साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा, अमॉर्फस। अब अगर हम बात करें कि भाई क्रिस्टल क्या होता है और अमॉर्फस क्या होता है, तो क्रिस्टल और अमॉर्फस को समझना बहुत आसान है, एक लाइन से आप इसको समझ लेंगे। क्रिस्टल्स वो होते हैं जो कि रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ओके। और
अगर हम amorphous की बात करें तो बिल्कुल साफ है, अगर ये arranged होंगे तो ये कैसे होंगे, ये बिल्कुल irregular होंगे, ठीक है। और irregular होने की वजह से ये unarranged होंगे। लेकिन जब तक हम इनके टॉपिक्स को ना समझें या हम इनके बारे में ना जानें, तब तक तो ये पूरा होगा नहीं। तो हम इसके स्ट्रक्चर को भी समझते हैं, ये अनअरेंज्ड कैसे होंगे। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, जब हम अरेंज की बात कर रहे हैं या हम अमॉर्फस की बात कर रहे हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए आप, ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं यहां पर क्रिस्टल का। इस क्रिस्टल को अगर हम देखें तो इस क्रिस्टल के सभी मॉलिक्यूल्स एक लाइन में सिमेट्रिकली प्रेजेंट होते हैं। ये क्रिस्टल्स की पहचान होती है बेटा, कि अगर हम क्रिस्टल लेंगे तो क्रिस्टल के अंदर सभी के सभी अरेंज्ड होने चाहिए। लेकिन अगर हम एमॉर्फस की बात करें खास तौर से, तो एमॉर्फस में कुछ भी अरेंज नहीं होता। एमॉर्फस के अंदर सभी पार्टिकल्स इररेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं या अनअरेंज्ड होते हैं। आप देखिए, ये सभी के सभी पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो जिस वजह से इसकी शेप कैसे आएगी, इसकी शेप आप देखिए कोई शेप ही नहीं आएगी और कोई भी शेप बनकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी शेप देखें तो ये प्रॉपरली बैलेंस्ड होगा और आपका क्रिस्टल सिमेट्रिकल होगा। और वैसे भी जब हम बात करें तो हमको ये समझना होगा कि क्रिस्टल हमेशा अरेंज्ड ही होते हैं। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर भी अगर हम देखें तो लगभग 80% यूजेस डेली लाइफ में क्रिस्टल्स का ही होता है, और अमॉर्फस अरेंज नहीं होते, इसलिए इनका यूज भी हमारी डेली लाइफ में कम ही होता है। और वैसे भी हम जानते हैं सभी लोग कि जो अपने आप में एक सीख भी है कि जो प्रॉपरली अरेंज्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है, वही आगे बढ़ता है, और जो अपने सिस्टम को इररेगुलर रखता है, अनअरेंज रखता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं मानता हूं कि ये हमारी लाइफ पे भी इफेक्ट करता है। जो अरेंज्ड हैं, जो सिमेट्रिकल हैं, वो ज्यादा आगे रहते हैं, और जो कोई भी काम समय से नहीं करते, इररेगुलर होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस दोनों में आपको दिख रहा है। लेकिन ये टॉपिक इनकम्प्लीट है बिना एग्जाम्पल के। तो मैं साथ साथ यहां एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूं। अगर आपको पता हो तो आप बताएं, क्रिस्टल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है NaCl, और NaCl के साथ आप ले सकते हैं KCl या कोई भी और आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर हम amorphous की बात करें तो amorphous substances में हम यूज कर सकते हैं रबड़, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं प्लास्टिक, ओके, या हम यूज कर सकते हैं ग्लास। ये सभी के सभी amorphous होते हैं। तो इस तरह से हम पहला डिफरेंस दे सकते हैं सॉलिड स्टेट में, कि कोई भी सॉलिड या तो क्रिस्टल होगा या फिर वो एमॉर्फस होगा। अगर वो क्रिस्टल होगा तो वो रेगुलरली अरेंज्ड होगा, और अगर वो एमॉर्फस होगा तो वो इररेगुलरली अनअरेंज्ड होगा। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम इसी को आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसको हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। जब हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं तो बेटा क्रिस्टल्स में इसके स्ट्रक्चर को समझना भी जरूरी है, ठीक है। मैं आज यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, और जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा NaCl का, ठीक है। आप उसको मेरे साथ साथ ही समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। आप मेरे साथ इस NaCl के क्रिस्टल को बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्रिस्टल कैसे बनता है। मैं यहां बनाऊंगा आपके साथ, और आप भी इसको कॉपी कर सकते हैं। NaCl का बड़ा क्रिस्टल होगा ये, और इस NaCl के साथ इसमें आपको मैं एक चीज भी दिखाऊंगा जिसका नाम होगा यूनिट सेल। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल। किसका बना रहे हैं, NaCl का, ओके। और इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ, ताकि ये लाइन पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक लाइन हम और एड अप करेंगे यहां पर,
इस तरह से। आप अगर कभी भी चाहें तो आप खुद भी इसके पूरे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये हमारा जो पूरा क्रिस्टल बना है ये एक NaCl का क्रिस्टल है, लेकिन इस NaCl के क्रिस्टल में मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा आपकी वो यूनिट सेल का है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो सबसे छोटी चीज होती है वो होती है यूनिट सेल। तो इस पूरे सिस्टम में वो यूनिट सेल कहां दिख रही है ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, तो बोल्ड करने से आपकी वो यूनिट सेल विजिबल हो जाएगी। देखिए आपको हल्का हल्का दिखना शुरू होगा। यूनिट सेल जो होती है वो इसकी सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है। क्या होता है बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। देखिए, दिखा आपको ये क्यूब, इस क्यूब को मैं यहां से बाहर निकाल लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये है वो क्यूब, ये देखिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हम वर्कआउट करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि पूरा का पूरा घर जो बना हुआ होता है वो पूरा घर कैसे बनता है, वो पूरा घर बनता है छोटी सी ईंट से। तो हमारे इस पूरे क्रिस्टल की छोटी सी ईंट क्या है? हमारे इस पूरे क्रिस्टल की वो छोटी सी ईंट कुछ और नहीं, वो एक यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल को जब हम जोड़ते चले जाएंगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। और ये आप नहीं पूछेंगे इसमें एटम्स कैसे अरेंज होते हैं, इसमें सभी एटम्स, जैसे एक हम ले लेते हैं Na, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं Cl, फिर हम एक ले लेते हैं Na, फिर एक ले लेते हैं Cl, इस तरह से सभी के सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे, ठीक है बेटा। आई थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर है। यह चीज हमारी क्रिस्टल्स के अंदर आती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल कैसा बनता है, मैंने आपको यह भी बताया कि इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो यूनिट सेल कैसे काम करती है। यूनिट सेल अगर हम वर्कआउट करें तो दोस्त ये पूरी की पूरी यूनिट सेल बहुत तरह की हो सकती है, जो हमारा आगे का टॉपिक है वो इसी से कनेक्टेड है। अगर आपने इसको बना लिया हो तो मैं सीधे उस तरफ बढ़ूंगा। और याद रखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब आप जा रहे हैं तो आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर खराब है तो फिर आगे एग्जाम में पास करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं बात करूंगा यहां यूनिट सेल्स की, ठीक है। मैं अभी आपको बता चुका हूं यूनिट सेल जो होती है वो तीन तरह की हो सकती है। पहला अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक, ठीक है, ओके, क्लियर। दूसरा हम बात कर सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, और तीसरा हम बात कर सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन बनती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मैं इन तीनों यूनिट सेल्स को बताऊंगा और ये हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा हमें इसको समझने के लिए। ये इस तरह से, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की खास चीज क्या होती है जो आपको पता होना चाहिए? सिंपल क्यूबिक की खास चीज होती है कि इसमें एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं। कहां होते हैं? कॉर्नर्स पर। और याद रखना सभी के सभी कॉर्नर्स पे भी कितना पार्ट होता है? सिर्फ 1/8 पार्ट हो सकता है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए इसके अंदर, एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक में जो होना चाहिए वो होना चाहिए, एटम्स कितने हैं टोटल? 8, ठीक है। लेकिन उस 8 का कितना पार्ट है हमारे पास? 1/8। तो टोटल नंबर कितना निकल कर आएगा? टोटल नंबर निकल कर आएगा 1 एटम। तो अगर वो आपसे पूछ लें, कभी भी पूछ लें कि भाई सिंपल क्यूबिक क्या होता है, तो आप उनको बता सकते हैं सिंपल क्यूबिक वो होगा जिसमें एटम्स कहां होंगे? कॉर्नर्स पर होंगे। और कॉर्नर्स पर कितना पार्ट होगा? 1/8 होना चाहिए। अगर 1/8 है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। तो इसकी पहचान क्या है? एटम्स सिर्फ कहां होंगे? कॉर्नर्स पर होने चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन तो किसी को है नहीं। तो फिर हम बॉडी सेंटर्ड की तरफ आते हैं।
अगर हम बॉडी सेंटर्ड को देखें तो बेटा बॉडी सेंटर्ड में नाम से ही क्लियर है कि भाई इसकी बॉडी में कुछ होगा, है ना। तो इसकी बॉडी बना लेते हैं। ये वो वाली बॉडी नहीं है जो आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं यहां की बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसकी बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है सेंटर में से, ओके। तो जो सेंटर होता है इसके कॉर्नर्स पर तो एटम्स होंगे ही होंगे पहले की तरह, लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ इसमें एटम्स कहां होगा, एक एटम सेंटर पे भी बैठा होगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, इसका नाम पड़ गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लेकिन अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो इसमें तो कॉर्नर्स पर है और इसके अंदर सेंटर पर भी है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो बेटा वो होगा 8 × 1/8, तो पहले से ही है जैसा होना चाहिए, और एक कहां होगा, सेंटर में भी होगा। तो अगर हम टोटल ले लें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, यहां पर 2 एटम्स आ गए। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो आपको समझना चाहिए, वो क्या होगा कि भाई सिंपल क्यूबिक में एटम्स कॉर्नर्स पर होंगे और बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ एटम्स पर भी होना चाहिए। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम फिर फेस सेंटर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर हम फेस सेंटर्ड को देखें तो इसका फिगर मैं यहां बना लेता हूं। कितने फेस होते हैं वैसे क्यूब में, सबको पता होना चाहिए। टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब में, जो टोटल फेस होते हैं एक क्यूब के अंदर वो होते हैं टोटल 6। ये हमारा कॉर्नर हो गया, कॉर्नर्स पर तो एटम होंगे ही होंगे पहले की तरह, लेकिन टोटल फेस होते हैं 6, तो इन सब 6 के 6 के ऊपर हम एटम्स को जोड़ देंगे। ये देखिए जैसे मैं जोड़ रहा हूं, ये हो गया हमारा एटम पूरा। और ये भी याद रखिएगा जब हम एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स में जब फेस पर कुछ होता है तो फेस पर वो कितना पार्ट होता है, 1/2 पार्ट, और कॉर्नर पे मैंने आपको कितना बताया था, 1/8 पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालें इसका, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होना चाहिए आप ही बताइए। कॉर्नर्स पर तो वही हो गया 8 × 1/8, ठीक है, और फेस हमारे कितने हैं 6, लेकिन 6 पे कितना पार्ट होगा, 1/2, मैंने आपको अभी बताया था। तो टोटल निकल के कितना आएगा, 1 + 3 = 4 एटम्स, ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर ये चीज क्लियर है आपको तो मैं मानता हूं कि यूनिट सेल 3 तरह का होना चाहिए, जिसमें पहला हो गया सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहां होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं, ठीक है। उसमें भी कॉर्नर पे कितना पार्ट होगा, 1/8, तो 1/8 के हिसाब से 8 × 1/8 टोटल निकल कर आया 1 एटम। बीसीसी की बात करें तो एटम्स कॉर्नर्स पर भी होंगे और कॉर्नर्स के साथ साथ सेंटर पर भी होंगे। अगर ऐसा होता है तो टोटल नंबर निकल कर आया 8 × 1/8 + 1, सो टोटल एटम्स हो गए 2 एटम्स, क्लियर। तीसरा आता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में एटम्स कॉर्नर्स पर भी होते हैं और टोटल फेस कितने होते हैं, 6। तो अगर 6 होंगे तो उस लिहाज से 6 पर फेस पर 1/2 आ गया और कॉर्नर पर 1/8 आ गया, सो टोटल निकालेंगे तो 8 × 1/8 + 6 × 1/2, सो टोटल निकल कर आएगा 4 एटम्स। तो अगर हम इसको शॉर्ट में याद रखें तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सिंपल बॉडी और फेस सेंटर्ड में वो कौन सी यूनिट सेल है जिसमें एटम्स कहां है, फेस पे भी है, तो वो सिर्फ यही होगा फेस सेंटर्ड। ऐसा कौन सा यूनिट सेल है जिसमें एटम सेंटर पर भी है, तो वो हो गया बॉडी सेंटर्ड। ऐसा कौन सा एटम है, ऐसा कौन सा यूनिट सेल है जिसमें एटम्स कॉर्नर्स पर है, तो अब आप बोलेंगे सर कॉर्नर्स पे सिंपल क्यूबिक, गलत। मैंने ये नहीं बोला कि एटम सिर्फ कॉर्नर पर या कॉर्नर, मैंने बोला एटम्स कौन कौन सा यूनिट सेल है जिसमें एटम्स कॉर्नर पर है, तो बेटा सभी में कॉर्नर्स में तो सभी पे है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, अगर जब कोई ये बोले कि एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं तो वो सिंपल क्यूबिक है, अगर वो बोले एटम्स कॉर्नर्स पर हैं तो कॉर्नर्स पे तो सभी पे थे, तो उस लिहाज में आपको तीनों बोलना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आया होगा। आज हमने जो डिस्कस किया है वो टॉपिक लिया है सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल और अमॉर्फस। क्रिस्टल रेगुलर होते हैं, अमॉर्फस इरेगुलर होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। आज मैंने NaCl का पूरा आपको एक क्रिस्टल भी बताया कि क्रिस्टल कैसा होता है और उसकी सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है यूनिट सेल, तो स्मॉलेस्ट पार्ट उसका यूनिट सेल होता है। जो यूनिट सेल होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, सिंपल, बॉडी एंड फेस सेंटर्ड। तो आज इतना कर लेते हैं, फिर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि आज इसको समझ सकें। जय हिंद।